हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। लिमिटेशन एक्ट 1963 के अंडर आज हम दो सेक्शंस को पढ़ेंगे। पहला है सेक्शन 10 और फिर दूसरा है सेक्शन 11। दोनों ही सेक्शन बहुत ज्यादा इजी हैं। सेक्शन 10 को पहले समझते हैं। सेक्शन 10 कहता है सूट्स अगेंस्ट ट्रस्टीज एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। हेडिंग में जो लिखा हुआ है वो ट्रस्टीज और रिप्रेजेंटेटिव्स के बारे में लिखा है, लेकिन जब हम बेयर एक्ट में सेक्शन 10 को पढ़ेंगे तो ट्रस्टीज, रिप्रेजेंटेटिव्स और ट्रस्टी के रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ उनके असाइनीज की भी बात की गई है। लेकिन असाइनीज में उन असाइनीज की बात नहीं की गई जो कि वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए असाइन किए गए थे। यानी एक ट्रस्टी था, ठीक है, उसने किसी को अपनी ड्यूटीज असाइन कर दी, लेकिन वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए अगर असाइन की है तो उसको इस सेक्शन के अंडर जो है वो कवर नहीं किया गया। तो यहाँ पर तीन व्यक्तियों की बात हुई है, पहला ट्रस्टीज, फिर दूसरे उनके रिप्रेजेंटेटिव और तीसरा उनके असाइनीज। अब यहाँ जब हमने बात की ट्रस्टीज, रिप्रेजेंटेटिव्स, असाइनीज की, तो अब हम क्या कहते हैं कि सेक्शन 10 ये कहता है कि नोट विथस्टैंडिंग एनीथिंग फॉरगोइंग इन दिस एक्ट। जो अब तक हमने पढ़ा है एक्ट के अंदर क्या पढ़ा कि जब भी लिमिटेशन के बाद कोई भी सूट आता है, यानी कि कोई भी एक्शन है, कॉज ऑफ एक्शन किसी भी सूट से रिलेटेड है, और उस कॉज ऑफ एक्शन के बाद अराइज होने के बाद जो उसका लिमिटेशन पीरियड एक बार स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद अगर कोई सूट जो आता है वो लिमिटेशन खत्म होने के बाद आता है तो उसको जो है एंटरटेन नहीं किया जाता। यानी कि कोर्ट की भी ड्यूटी भी बताई, कोर्ट की भी ड्यूटी है कि वो क्या करेंगे, वो किसी भी सूट को एंटरटेन नहीं करेंगे अगर वो लिमिटेशन के बाद आता है तो। लेकिन सेक्शन 10 एक तरीके से एक्सेप्शन की बात करता है। एक्सेप्शन कैसा, कहता है कि जो ट्रस्टीज हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या फिर असाइंस हैं उनके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। कहने का मतलब कि लिमिटेशन पीरियड से ये वाले सूट जो होंगे वो जो होंगे बार नहीं होते। कोई भी सूट जो अगर ट्रस्टी से रिलेटेड है, ट्रस्टी के अगेंस्ट आता है या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट आता है, उनके असाइनीज के अगेंस्ट आता है, तो वहां पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता या लिमिटेशन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती। यानी अगर हम इसको साफ शब्दों में समझें तो अगर एक ट्रस्टी है, जैसे कि हमें पता है ट्रस्टी किसका होता है, किसी प्रॉपर्टी का होता है, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है, तो अगर उस ट्रस्टी से की जो प्रॉपर्टी है, उस जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो ट्रस्टी है उस केस में, या फिर उसके जो प्रोसीड्स होंगे, जो प्रॉपर्टी है जो प्रोसीड्स होंगे उस केस में, या फिर जो अकाउंट होंगे प्रॉपर्टी के उस केस में, या फिर जो अकाउंट के प्रोसीड्स होंगे उस केस में, इन सभी केसेस में ट्रस्टीज या उनके रिप्रेजेंटेटिव या उनके असाइनीज के अगेंस्ट अगर कोई केस फाइल होता है तो वो लिमिटेशन से बाहर नहीं होता है। कहने का मतलब सिंपल शब्दों में कि वो कभी भी लाया जा सकता है, कोई लिमिटेशन नहीं है। यानी अगर हम बात करें आज की डेट में अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है तो कभी भी उस चीज को जो है कोर्ट में लाया जा सकता है, जो कि ट्रस्टीज के अगेंस्ट है, उनके रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट है और असाइनिस के अगेंस्ट है। कौन से असाइनिस, वैल्यूएबल कंसिडरेशन वाले असाइनिस को छोड़ के जो भी असाइनिस होंगे उनके ऊपर ये चीज एप्लीकेबल होती है। फिर सेक्शन 10 की एक्सप्लेनेशन ये कहती है कि अगर हम बात करें कि कौन सी ट्रस्ट की हम बात करते हैं, तो ट्रस्ट में उन्होंने कहा रिलीजियस ट्रस्ट भी आएंगे, जहां पर हिंदू रिलीजन की बात की, मुस्लिम रिलीजन की बात की और बुद्धिज्म की भी बात की गई है। तो तीनों ही रिलीजन की बात करते हुए कहा है कि जो रिलीजियस होंगे वो भी ट्रस्ट आएंगे और इसके साथ साथ चैरिटेबल जो ट्रस्ट होंगे वो भी इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। तो सेक्शन 10 हमें ये बताता है। फिर सेक्शन 11 कहता है सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। इस चीज को आप समझिएगा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, टेक्निकल है। ये सेक्शन कहते हैं सूट्स ऑन कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। पहली बात तो हमें ये समझ में आ गया, क्या बात समझ में आई कि जो यहाँ पर सेक्शन 11 है वो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड बात करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो कि एंटर हुए थे आउटसाइड द टेरिटरीज टू विच द एक्ट एक्सटेंड्स। अब इसको चीज को समझिएगा, पहली चीज कह रहे हैं कि समझिए लिमिटेशन एक्ट का जो एक्सटेंशन है वो इस एरिया के अंडर है। हमें पता है इंडिया में लिमिटेशन एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होता है, तो वो एप्लीकेबिलिटी इसके अंदर है। तो बोल रहे हैं कि जो फॉरेन कंट्री है, पहले यहाँ जम्मू एंड कश्मीर को भी इंक्लूड किया गया था लेकिन अब वो चीज नहीं है, यहाँ पर हम बात करते हैं फॉरेन कंट्री की। तो कह रहे हैं कि फॉरेन कंट्री में कोई व्यक्तियों ने कोई कॉन्ट्रैक्ट में किया,
कोई फॉरेन कंट्री में, किसी भी फॉरेन कंट्री में कुछ व्यक्तियों ने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया। अब उस कॉन्ट्रैक्ट को एंटर होने के बाद वो जो सूट्स हैं वो यहाँ पर इंस्टीट्यूट करते हैं जहां पे लिमिटेशन एक्ट 1963 इंडिया का एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पर वो सूट लेके आ गए। कॉन्ट्रैक्ट कहाँ एंटर हुआ था? फॉरेन कंट्री में। सूट कहाँ लाए हैं? लिमिटेशन एक्ट 1963 के परव्यू में। अब बोल रहे हैं ऐसा इस केस में क्या होगा? इस केस में कह रहे हैं कि जो हम बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट तो कब हुआ था? फॉरेन कंट्री में। सूट लेके आए लिमिटेशन एक्ट के एक्सटेंशन में, तो लिमिटेशन एक्ट जो होगा उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। यानी हम ये उस चीज का एडवांटेज नहीं ले सकते कि भाई उस कंट्री में तो लिमिटेशन एक्ट कुछ और बोलता था, हमारी कंट्री में आप हम सूट इंस्टीट्यूट कर रहे तो कुछ और बोल रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। नहीं, भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंट्री में एंटर हुआ, क्योंकि आप सूट इंस्टीट्यूट इंडिया में कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं जहां लिमिटेशन एक्ट 1963 एप्लीकेबल हो रहा है, तो लिमिटेशन एक्ट 1963 के रूल्स ही एप्लीकेबल होंगे। सेक्शन 11 का सबसेक्शन 1 ये कहता है। फिर सबसेक्शन 2 क्या कहता है? सबसेक्शन 2 हमें ये बताता है कि ठीक है, मान लिया कि ऐसा है। अब उसमें बोल रहे हैं कि कोई भी रूल किसी भी लिमिटेशन एक्ट का जो फॉरेन कंट्री में एप्लीकेबल है, वो जो लिमिटेशन एक्ट 1963 जिसके परव्यू में सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उस चीज को डिफेंस की तरफ काम नहीं करेगा। अभी मैंने आपको बताया कि कह रहे हैं, अभी जैसे कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो 3 साल का टाइम हो रहा है, आप यहाँ 2 साल का टाइम दे रहे हैं, या फिर हमारे यहाँ उस चीज के लिए 4 साल का टाइम है, आप यहाँ 3 साल का टाइम दे रहे हैं, कोई ऐसा रूल है, तो वो डिफेंस के तौर पे काम नहीं करेगा। फिर उसमें अनलेस वर्ड यूज करके 2 एक्सेप्शन भी बता दी। क्या एक्सेप्शन बताई? पहली एक्सेप्शन ये कि वो जो रूल जिसको डिफेंस के तौर पे इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, उस रूल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो रहा है। वर्ड यूज हुआ एक्सटिंग्विशमेंट, एक्सटिंग्विश्ड हो रहा है, खत्म हो रहा है। तो उस केस में कह रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट को ही टर्मिनेट कर रहा है अगर वो रूल जिसको डिफेंस के तौर पे काम यूज करा जा रहा है, तो फिर वो रूल जो एप्लीकेबल हो जाएगा भले ही वो फॉरेन कंट्री का है। दूसरे केस में क्या कह रहे हैं? दूसरा जो हमारा एक्सेप्शन है वो ये बात करता है कि एक तो बोल दिया आपने कि उस रूल की वजह से कॉन्ट्रैक्ट ही एक्सटिंग्विशमेंट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ही टर्मिनेट हो रहा है। फिर दूसरे रूल को एक्सेप्शन की तौर पे जब लिया जाएगा, जब दूसरा रूल जिस रूल को डिफेंस की तौर पे लिया जा रहा है, उस रूल के अकॉर्डिंग जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट थी या पार्टीज जो सूट है वो जो है वो डोमिसाइल थी उस फॉरेन कंट्री में। समझिएगा बात को। सी फॉर इंस्टेंस, ये 2 लोग हैं, इन 2 लोगों ने केस इंस्टीट्यूट कर दिया इंडिया में आके, जहां पर लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल हो रहा है, लेकिन उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन कंट्री में हुआ था। अब ये क्या हुआ? उसमें बोल रहे हैं कि अगर इन दोनों की दोनों पार्टीज, पार्टी ए पार्टी बी, दोनों की दोनों पार्टीज जो है वो इंडिया की ही डोमिसाइल थी, उस रूल का डिफेंस लेते हुए जिस रूल में कह रहे हैं कि भाई 4 साल यहाँ मिल रहा है, आप 3 साल दे रहे हैं, और टाइम पीरियड जो बता रहे हैं उस टाइम पीरियड के दौरान दोनों की दोनों पार्टीज इंडिया के उसी एरिया में डोमिसाइल कर रहे हैं जहां लिमिटेशन एक्ट है, तो बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस केस में उसका एडवांटेज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर जो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी उस पीरियड का एडवांटेज लेना चाह रहे हैं, उस रूल के अकॉर्डिंग जिसको डिफेंस के तौर पे ला रहे हैं, वो रूल के अकॉर्डिंग उस पीरियड के दौरान वो फॉरेन कंट्री में थे जहां की यह रूल एप्लीकेबिलिटी मान रहे हैं, उसका डिफेंस फिर मिल सकता है जहां पर वो ऑलरेडी डोमिसाइल थे, जिस पीरियड को वो मान रहे, 4 साल का मान रहे, तो 4 उसके दौरान जो थे वो वहां डोमिसाइल अगर थे तो क्या करेंगे, तो उस चीज को डिफेंस के तौर पे मान लिया जाएगा, उसको एक्सेप्शन के तौर पे काउंट कर लिया जाएगा। तो 2 एक्सेप्शन है। पहली एक्सेप्शन तो क्या है? पहली एक्सेप्शन तो माना कि उसके रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट ही खत्म हो रहा है, तो फिर तो बात ही खत्म हो गई। दूसरा, और जो एक्सेप्शन मान रहे हैं, जो मान रहे हैं कि हमें रूल एप्लीकेबिलिटी चाहिए, उस रूल एप्लीकेबिलिटी के अकॉर्डिंग जितना टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड के दौरान जो पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है या पार्टीज टू सूट मोर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, तो वो डोमिसाइल है उसी फॉरेन कंट्री में। तो ये हो गया हमारा सेक्शन 10 और सेक्शन 11। इजी थे ना? बहुत इजी थे। आई होप आपको क्लास समझ आई हो। अगर आई हो तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।